हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों का ऐलान होने वाला है। राज्य की सभी 68 सीटों के लिए सियासी दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। डीएन नाइट न्यूज ने राज्य की सभी विधानसभा सीटों का दौरा किया है और विधायकों, दावेदारों, मतदाताओं और राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं से बीते 5 सालों में हुए काम का लेखा जोखा लिया है। पेश है इस श्रृंखला की आज की कड़ी। हमीरपुर जिले का सुजानपुर निर्वाचन क्षेत्र। सुजानपुर जहां अपने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए मशहूर है, वहीं यहां के आर्मी स्कूल और हद से बड़े मैदान ने इसे देश भर में अलग पहचान दिलाई है। एक जमाने में इस इलाके पर मशहूर राजा संसारचंद का राज हुआ करता था। उनके राज के निशान आज भी यहाँ किले और दुर्ग के तौर पर देखने को मिल जाते हैं। राजा संसारचंद को इतिहास, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। सुजानपुर का महल भी उसी गौरव गाथा को दर्शाता नजर आता है। ये महल काफी ऊंचे इलाके में बना है, जिससे सुजानपुर निर्वाचन क्षेत्र का ज्यादातर हिस्सा नजर आता है। सुजानपुर की होली पूरे प्रदेश में मशहूर है। हर साल यहाँ होली के मौके पर मेला होता है, जिसे बिल्कुल परंपरागत और ऐतिहासिक तरीके से मनाया जाता है। राजा हुए संसारचंद जो बहुत कला प्रेमी राजा थे, उन्होंने बहुत सारे यहाँ पे जो सुजानपुर नगरी में मंदिर, कुएं और जो कांगड़ा पेंटिंग है, कांगड़ा शैली है, वो हर एक मंदिर में आपको महाभारत, रामायण टाइम की मिल जाएगी, उसमें चित्रकारी। यह है ब्यास नदी के किनारे बसा हुआ सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र। क्या है यहाँ के लोगों की समस्याएं, कितना हुआ है यहाँ पर विकास, क्या कहना है यहाँ के नेताओं का, क्या है यहाँ पर चुनावी मुद्दे और क्या रहेगा जनता का रुख आने वाले विधानसभा चुनावों में, इन सभी को जानने के लिए आपको ले चलते हैं सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में। सुजानपुर हाल ही में हुए परिसीमन के बाद नया निर्वाचन क्षेत्र बना है। इसे बमसन निर्वाचन क्षेत्र की ज्यादातर पंचायतों को मिलाकर बनाया गया है। सुजानपुर निर्वाचन क्षेत्र में कुल 60,861 मतदाता हैं, जिनमें से 29,420 पुरुष और 31,441 महिलाएं हैं। एक ओर हिमाचल में जहां 1,000 पुरुषों की तुलना में 955 महिलाएं हैं, वहीं सुजानपुर में ये अनुपात बिल्कुल अलग है। यहाँ पर 1,000 पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या है 1,077। आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने साल 2007 में बमसन से चुनाव लड़ा था और कांग्रेस के विधि चंद को 26,007 मतों के अंतर से पराजित किया था। लेकिन हाल ही में हुए परिसीमन में बमसन निर्वाचन क्षेत्र को खत्म कर दिया गया और इसकी पंचायतों को हमीरपुर, सुजानपुर और भोरंज निर्वाचन क्षेत्र में मिला दिया गया। ऐसे में मुख्यमंत्री अब कहां से चुनाव लड़ेंगे, ये सवाल जिले के हर कांग्रेसी के दिमाग में चल रहा है। भोरंज आरक्षित सीट है, लिहाजा प्रदेश के राजनीति के पंडित मानते हैं कि धूमल हमीरपुर या सुजानपुर से ताल ठोक सकते हैं। वैसे अगर साल 2009 में हुए लोकसभा चुनाव की बात करें तो हमीरपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार और धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे दिवंगत बीजेपी नेता जगदेव चंद के पुत्र नरेंद्र ठाकुर को 72,732 मतों के अंतर से हराया था। उस दौरान सुजानपुर निर्वाचन क्षेत्र में सांसद अनुराग ठाकुर को 20,261 मत पड़े थे, जबकि नरेंद्र को 17,920 वोट हासिल हुए थे। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल कहां से चुनाव लड़ते हैं, इसे लेकर सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नेताओं की अगली चाल उन्हीं के चुनाव लड़ने के फैसले पर टिकी हुई है। अगर मुख्यमंत्री धूमल सुजानपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं
तो कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता यहां से उनके खिलाफ चुनाव मैदान में उतरना नहीं चाहेगा। वहीं कई बीजेपी नेता भी उसी हिसाब से अपना अगला कदम तय करेंगे। हालांकि हमीरपुर जिले में जहां तहां मुख्यमंत्री अपनी रैली कर रहे हैं, वहां अपने राज्य में किए कामों का गुणगान कर रहे हैं ताकि विधानसभा चुनाव के दौरान उसे बेहतर ढंग से कैश किया जा सके। पूरे जिला हमीरपुर में इस कार्यकाल में हमने 140 किलोमीटर नई सड़कें बनाई, 235 किलोमीटर नए रोड जो है वो पक्के किए गए। वहीं बीजेपी के राजेंद्र राणा ने सुजानपुर में प्रचार का जिम्मा संभाला हुआ है। राजेंद्र को यकीन है कि इस दफा उन्हें ही कमल के चिन्ह पर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, लेकिन राजेंद्र की ये हसरत मुख्यमंत्री धूमल के फैसले पर टिकी हुई है। अगर खुद सीएम ने इस इलाके से उतरने का मन बना लिया तो उन्हें इस इलाके का मुंह त्यागना पड़ेगा। हमीरपुर जो है वो प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी माननीय मुख्यमंत्री का क्षेत्र है और मुझे नहीं लगता है यहाँ कोई विकास की दृष्टि से उन्होंने कुछ कमी छोड़ी है। जो जो लोगों की डिमांडें आई हैं, समय समय पर आई हैं, उन्होंने पूरी करी हैं। सुजानपुर में सिवरेज का काम चल रहा है और उसके बावजूद जो जो लोगों की डिमांडें थी वो पूरी की गई हैं। और सुजानपुर में बहुत सारे लोगों की ये डिमांड थी कि सुजानपुर में एक SDM कार्यालय खोला जाए, उसकी शुरुआत जो है माननीय मुख्यमंत्री ने की है। महीने में हर हफ्ते एक दिन जो है SDM हमीरपुर वाले वहाँ पर बैठ रहे हैं। बहुत सारे काम हुए हैं, सड़कें बनी हैं, स्कूलों के भवन बने हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता कोई कमी छोड़ी है और विकास हुआ है और विकास के नाम पर जो है वो लोग वोट देते हैं। वैसे ये स्थिति हमीरपुर से मौजूदा विधायक उर्मिल ठाकुर की भी है। उर्मिल की सीट पर भी आशंकाओं के बादल मंडरा रहे हैं। जानकारों के मुताबिक अगर धूमल हमीरपुर से खड़े हुए तो उर्मिल को न चाहते हुए भी सुजानपुर या नादौन जैसी सीट का रुख करना पड़ सकता है। हालांकि उर्मिल हमीरपुर सीट को पुश्तैनी बताकर यहीं से अपना दावा ठोक रही हैं, लेकिन लगे हाथ उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि अगर धूमल हमीरपुर आए तो वो उनके लिए काम करेंगी। मैंने 3 बार हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से ही इलेक्शन लड़ा है और मैं हमीरपुर की ही विधायक हूँ। जहाँ तक मुख्यमंत्री की बात है, 68 विधानसभा क्षेत्र ही चाहेंगे कि मुख्यमंत्री हमारे विधानसभा क्षेत्र से लड़े। कौन नहीं चाहता है कि मुख्यमंत्री हमारे इलाके से ना लड़े, लेकिन ये तो मुख्यमंत्री की अपनी मर्जी है। वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, वो तो कहीं से भी जीत सकते हैं। वहीं दूसरी ओर सुजानपुर सीट से कांग्रेस का उम्मीदवार लगभग पक्का है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अनीता वर्मा इस निर्वाचन क्षेत्र से अपना पर्चा भर सकती हैं। वो यहाँ एक दफा महिला कांग्रेस का सम्मेलन भी आयोजित कर चुकी हैं। पूर्व मुख्य संसदीय सचिव और 2 बार विधायक रह चुकी अनीता वर्मा ने 1994 और 2003 में हमीरपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीता था, जबकि 2007 में यहीं से बीजेपी की उर्मिला ठाकुर से हार गई थी। अनीता वर्मा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की करीबी मानी जाती हैं। इस बार के चुनावों में अनीता वर्मा अपनी पार्टी की नीतियों के प्रति आशावादी हैं, जबकि बीजेपी सरकार पर इलाके को नजरअंदाज किए जाने का आरोप भी लगा रही हैं। आज भी पानी की यहाँ पे बहुत समस्या है, सड़कें ठीक नहीं हैं, यहाँ पे आपकी जो हेल्थ की कंडीशन है वो बड़ी दयनीय है। आपके हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नहीं हैं, जो अपने जो प्रसूता महिला है उसको कहीं और भेजा जाता है प्राइवेट जगह। यहाँ पर पूर्ण रूप से किसी भी अस्पताल में ना डॉक्टर्स हैं, ना यहाँ पर किसी तरीके से आपके जो ऑफिशियल्स हैं, बेशक आपकी पुलिस है, वो भी कोई कई केसेस यहाँ पे हो रहे हैं, उनको ठीक ढंग से नहीं निपट सक रही है। तो ये सारी समस्या को देखते हुए आज हमारी जो हमीरपुर की जनता है वो बड़ी भारी एक रोष में है और चाह रही है कि हम किसी तरीके से बीजेपी को और खास करके धूमल साहब को यहाँ से हटा। इस निर्वाचन क्षेत्र को और करीब से जानने के लिए जैसे जैसे हम ब्यास नदी के साथ आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे इस इलाके की असलियत सामने आने लगती है। एक ओर जहाँ कुछ लोग पुल, खराब सड़कें और ऐसे ही दूसरे विकास के कार्यों की कमी की वजह से बीजेपी सरकार को कोसते नजर आते हैं, वहीं कुछ इलाकों में बंदरों की समस्या, पानी की कमी, सीवरेज समस्या और इलाके को नजरअंदाज किए जाने से नाराज दिखते हैं। यहाँ हमारी डिमांडें थी जैसे SDM ऑफिस हो या कोई डिवीजन ऑफिस, चाहे इलेक्ट्रिक का हो, IPH का हो,
और कोई ऐसे ऑफिसेज खुलें, मगर यहाँ हमें कुछ भी नहीं दिया। वायदे जरूर किए, यहाँ तक कि सिग्नेचर अभियान भी किया, और जब ये गवर्नमेंट आई पिछली तो इन्होंने बोला था कि हम जरूर करेंगे, मगर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। बंदर यहाँ पर आ गए हैं, उनका नुकसान करा, एक 12% जो लोग छोड़ रहे हैं उनका कंट्रोल होना चाहिए। बिल्कुल इग्नोर हुआ है, और डेवलपमेंट होगी तो इस चुनाव के बाद होगी, क्योंकि हमारा प्रतिनिधित्व लोकल होगा, सुजानपुर का होगा या सुजानपुर के नजदीक के गांव का होगा। बिजली का पानी तो चलो ठीक ही है, यहाँ पर रोड तो हमने तो अभी नहीं हूँ, यहाँ खड्डा आएंगे ना, खड्डा जाना है फिर तो पैदल ही। हमारे यहाँ सीवरेज का काम चला हुआ है, 3 साल लगभग हो गए हैं, गलियाँ एक बार जो खोद की गई हैं उनको पक्का नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से आने जाने में बड़ी दिक्कत हो जाती है, और बरसात के दिनों में अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको हॉस्पिटल तक पहुँचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज तक यहाँ सुजानपुर में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, SDM ऑफिस दिया है वो भी सिर्फ 2 दिन के लिए दिया महीने में, जो कि यहाँ में हमें प्रॉपर चाहिए, हमें कोई भी काम करवाना हो तो हमीरपुर जाना पड़ता है उसके लिए। राजा जी के जितनी भी सेना थी यहाँ पर उनकी परेड होती थी और खूब यहाँ मेला लगाया जाता था। ग्राउंड में जाएंगे तो देखेंगे कि ग्राउंड का क्या हाल है, कहते हैं कि महाराज संसार तन की नगरी है, ये देखने को ये वैसे कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं कि इलाके में सरकार से सिर्फ नाराज लोग मौजूद हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनके मुताबिक सरकार ने यहाँ विकास की ब्यार बहाई। जिस होटल मैनेजमेंट की बैचलर डिग्री के लिए हमीरपुर के युवाओं को या प्रदेश के युवाओं को साउथ जाना पड़ता था, दिल्ली जाना पड़ता था, बाहरी राज्यों में जाना पड़ता था, वो शिक्षा यदि आज हमीरपुर के अंदर मिलना सुनिश्चित हुई है तो निश्चित तौर पर प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। इसके साथ साथ हमीरपुर में टेक्निकल यूनिवर्सिटी का खुलना एक बहुत बड़ी संभावनाएं पैदा करता है युवाओं के लिए, आने वाली जनरेशन्स के लिए, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो या रोजगार की दृष्टि से आप देखें। हमारे विधानसभा क्षेत्र में माननीय धूमल जी के कुशल नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में हमारे यहाँ पानी की किल्लत थी, पूर्व कांग्रेस की सरकारों ने लोगों की उस गंभीर समस्या की तरफ कभी भी ध्यान नहीं दिया। प्रदेश की बीजेपी सरकार और विरोधी कांग्रेस दोनों अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। एक ओर जहां बीजेपी विकास कार्यों का हवाला देकर सत्ता में वापस आने का दम भर रही है, वहीं कांग्रेस भ्रष्टाचार और इलाके की अनदेखी का आरोप लगाकर जनता से वोट मांग रही है। देखना होगा कि सुजानपुर की जनता किसके सिर अब के जीत का सेहरा बांधती है। सुजानपुर एक महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र बन गया है, क्योंकि बमसन विधानसभा क्षेत्र जहां से पिछली बार हिमाचल के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जीते थे, उसका काफी बड़ा हिस्सा इस विधानसभा क्षेत्र में मिला दिया गया है। अब बीजेपी विकास कार्यों के चलते यहां पर अपनी स्थिति मजबूत मान रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि इस बार की स्थिति पिछली बार की स्थिति से काफी भिन्न है। अब आने वाले विधानसभा चुनावों में जनता किसको सफल बनाती है, या तो समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन सुमित क्लेर के साथ किरणदीप, डे और नाइट न्यूज, सुजानपुर।